तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस मौके पर पूरे देश में मंदिरों की शानदार सजावट की गई है। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार से ही रोशनी का शानदार इंतजाम किया गया है। पूरा मंदिर रंग बिरंगा रोशनी से जगमगा रहा है। इसी तरह उज्जैन के संदीपनी आश्रम को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। माना जाता है कि कृष्ण ने यहीं रहकर शिक्षा पाई थी। इस मौके पर मंगलवार को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। देश के दूसरे हिस्सों में भी जन्माष्टमी की पूरी धूम देखने को मिल रही है। इस्कॉन के तमाम मंदिरों में भव्य अंदाज में जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस साल श्रद्धालुओं पर कई तरह के प्रतिबंध रहने वाले हैं और उन्हें पहले की तरह मंदिर जाकर बालकृष्ण का दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन और दिल्ली की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जो है उज्जैन की तस्वीर है, इसमें उच्च शिक्षा मंत्री नज़र आ रहे हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की, जहाँ पर जन्माष्टमी के इस पर्व पर आरती की गई है, भगवान का श्रृंगार किया गया है और आज रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। हालांकि इस बार वो भीड़ वैसी तस्वीरें जैसे हर साल जन्माष्टमी पर देखने को मिलती है वो नहीं दिखेंगे। मंदिर के पंडित पुजारी ही सिर्फ भगवान का जलाभिषेक करेंगे और जन्म के वक्त में मौजूद रहेंगे। मथुरा के मंदिरों की जन्माष्टमी मनाने की तरह ही पन्ना के विश्व प्रसिद्ध भगवान जुगल किशोर सरकार के मंदिर की जन्माष्टमी मनाने की परंपरा भी सालों पुरानी है। यहाँ की जन्माष्टमी देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इस बार ऐसी रौनक देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना की वजह से मंदिर के पुजारियों के बीच ही मंदिर में त्यौहार मनाया जाएगा, जिसका प्रसारण लोकल TV और सोशल मीडिया पर किया जाएगा। पन्ना का जुगल किशोर सरकार मंदिर, जहां राधा कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं। वैसे तो यहां हर अमावस्या पर मुरली वाले के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है, लेकिन जन्माष्टमी पर यहां श्रद्धालुओं का मेला लग जाता है। जन्माष्टमी का पर्व मंदिरों के पुजारियों के साथ मनाया जाएगा, जिसका प्रसारण लोकल TV और सोशल मीडिया पर किया जाएगा। ये मंदिर श्री जुगल किशोर जी का 350 साल पुराना है और जो जिस प्रकार से वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई जाती है उसी प्रकार से हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती। और अब इस कोरोना के वजह से थोड़ा ऐसा है, बाहर से दर्शन मिलेंगे और भगवान का जन्म तो उसी प्रकार से मनाया जाएगा जिस तरह से मनाया जाता। भक्तों की माने तो यहाँ का इतिहास 300 साल पुराना है। 300 साल से यहां हर अमावस्या के साथ जन्माष्टमी पर धूमधाम से पर्व मनाया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये पहली बार होगा जब श्रद्धालुओं के बिना त्यौहार मनेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर की मान्यता है कि यहां जो भी आया वो खाली हाथ नहीं गया। बहुत सच्चे हैं, 300 साल पुराने हैं और सब लोग यहाँ पे, उनकी ना बहुत बहुत मान्यता है। बहुत भव्य रूप में यहाँ जन्माष्टमी का एक फंक्शन होता है और सब लोग यहाँ पे दर्शन के लिए घंटों घंटों तक खड़े रह के कतार में कि नंबर आ जाए और दर्शन हम लें भगवान के, ये करते हैं। मान्यता है कि जुगल किशोर सरकार उनका ख्याल भी रखते हैं, बिना सबके खाए खुद खाना नहीं खाते हैं, यही सबके सोने के बाद ही खुद सोने जाते हैं। सत्य है कि पन्ना के जुगल श्री महाराज जुगल सो सरकार जो यहाँ पर वृंदावन से आए हुए थे, आज भी उनका वही काम बिल्कुल राजाशाही एकदम है। कितने लोगों को यहाँ बच्चे भगवान ने खुद प्रदान किए हैं ऐसे भाव में मानता है। और भगवान की सबसे विशेषता ये है कि सरकार पूरे नगर को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते हैं, चाहे दोपहर को 2:30 बजे हो और रात को 9:30 बजे भगवान प्रसाद पाने के बाद सबको सुलाने के बाद सोते हैं। मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की बात करें तो बुंदेलखंड में जुगल किशोर सरकार के नाम से मशहूर है। यहाँ विराजमान श्री राधा कृष्ण की जोड़ी को ही जुगल किशोर कहा जाता है। जानकारों की माने तो भगवान श्री कृष्ण पहले ओरछा राज्य में विराजमान थे। उन्हें तत्कालीन राजा हिंदुपत जी और दीक्षित परिवार के द्वारा पन्ना में विराजित करवाया गया। पन्ना आने पर उन्हें विद्यावासिनी मंदिर में अस्थायी रूप से रहना पड़ा और फिर स्थायी रूप से भगवान जुगल किशोर जी को वर्तमान के जुगल किशोर मंदिर में विराजित करवाया गया। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
विकास चंद्रा हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अब जैसा कि हमने सुबह देखा कि उस तरीके की तस्वीरें तो इस बार मथुरा में देखने को नहीं मिल रही हैं जैसा कि हर बार देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या पूजा को लेकर या फिर कोई LED या कोई स्क्रीन ऐसी लगाई गई है वहाँ पर, या लोगों को कैसे इस बात का पता चलेगा शुभ मुहूर्त आज का क्या है, लोग अपने घरों में किस तरीके से आज पूजा करने वाले हैं उसकी जानकारी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लोग मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं, ब्रजमंडल में आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर और भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, लगता है भादों के महीने में ही दीपावली मना रहे हैं लोग ब्रजमंडल में, कि कोरोना की वजह से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार जो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मन रहा है, उनका प्राकट्य दिवस जो मनाया जा रहा है जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, तो भक्तों के बगैर है। स्थानीय निवासी जरूर हैं, सभी मंदिर बंद है, मंदिरों में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ये कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, देखें कि बंद है, यहाँ किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीडिया को जरूर यहाँ पर जाने की दी जाएगी, उसके लिए भी पास बनाया गया है कि जिसके पास अधिकृत पास होगा वही जा सकेगा। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल कि इस बार कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से ये विशेष व्यवस्था की गई है कि लोग अपने घरों तक देख सकें, उसके लिए ये मीडिया के लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था की है कि इनको क्लीन फीड मिल सके, इसका लाइव टेलीकास्ट कर सके, अधिक से अधिक मीडिया कर्मियों के कैमरे वहां पर लग सके। इनकी तरफ से भी तमाम जो सोशल साइट्स हैं उसके ऊपर भी लिंक शेयर किए जाएंगे, चाहे वो YouTube पे हो या Facebook पे हो, WhatsApp पे हो, सब पे इनकी तरफ से भी व्यवस्था की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग जब भगवान का जन्म हो और जब वो उत्सव शुरू हो, अनुष्ठान शुरू हो, तो लोग उसको लाइव देख सकें और लाइव देखें तो बिल्कुल भगवान का सही ढंग से दर्शन हो सके, इसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। और खास तरह के बंगले का निर्माण किया गया है, उस बंगले का नाम दिया गया है पूर्णेंदु कुंज। पूर्णेंदु कुंज बंगले को विशेष आकृति दी गई है कि जब भगवान उसमें विराजेंगे तो कैमरे पे वो सही ढंग से दिखें और इस ढंग से दिखें कि घर में बैठे हुए हजारों मील भी लोग को ऐसा लगे कि वो जन्मभूमि पर ही भगवान को देख रहे हैं। वस्त्र भी इस बार जो भगवान का जो पोशाक है, पोशाक भी किसी अलग ढंग से उसको इस बार डिजाइन किया गया है और पुष्प वृंत पोशाक तैयार किया गया है जो पीले रंग में है और उसमें जरी बूटे जो मोती माणिक के सोने चांदी लगाए गए हैं वो इस तरीके से लगाए गए हैं ताकि वो जब उस पर लाइट पड़े तो उसकी आकृति, उसकी छवि अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो मंदिर के अंदर भगवान के जन्माष्टमी के अवसर पर जो तैयारी की जाती है, हजारों साल से जिस परंपरा का निर्वाह करते हुए लोग आ रहे हैं मंदिरों में, उसी तरीके से उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल विधि विधान से परंपरागत तरीके से ही भगवान के प्राकट्य दिवस को मनाएंगे, जन्माष्टमी को मनाएंगे, मंदिरों में उसी तरीके से पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाएगा। लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस बार ठाकुर जी के भक्त नहीं होंगे, सिर्फ सेवक होंगे, पुजारी होंगे, न्यास के लोग होंगे, मंदिर से जुड़े हुए लोग होंगे। प्रशासन ने विशेष तौर पर निर्देश दिया है, वृंदावन की सारी जितनी भी सीमा है लगभग 39 सबको सील कर दिया गया है, किसी को आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जो लोग भी यहां सड़क पर घूमते टहलते दिखाई दे रहे हैं वो उसमें से अधिकतर लोग स्थानीय निवासी हैं, बाहरी व्यक्ति यहां बिल्कुल नहीं है। तो परंपरा को नहीं छोड़ा जा रहा है, लोगों के दिलों में उत्साह, बिल्कुल विकास, लोगों के दिलों में, भक्तों के दिलों में श्री कृष्ण बसते हैं और अपने घरों में ही रहकर आज वो पूजा अर्चना करेंगे।